ही नहीं है। ये चुनाव चुनाव हिंदू, चुनाव चुनाव मंदिर जाना क्या गलत बात है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, राम जी की मूर्तियां गुड़ियां हैं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। बिल्कुल राकेश जी, आपके सवाल बड़े शानदार हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उदित राज जी, उस बातों को वो अपने आधार पे नहीं कह रहे हैं, जो भी वीडियोस हैं उनके आधार पे कह रहे हैं। उन वीडियोस की सरकार को जांच करा के अगर वो गलत बयान है तो उनको जेल भेजना चाहिए जिन्होंने उनके वीडियो रिलीज किए। ये आपका भी धर्म है और सारे मीडिया चैनल का धर्म है, फिर कहा विपक्ष धर्म मित्र है। मैं तैयार हूँ। अरे उदित राज जी, मैं आप ही के साथ हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ। अगर ये लोग ये करना चाहते हैं, हिंदी वालों सड़क पर तो लड़ते हो, चैनल पर तो एक हो जाओ कम से कम। हाँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए और मैं चाहूंगा मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करे। बाबा बैजनाथ को लेके इस तरह की लड़ाई हो रही कि राहुल जी वहां चले गए, ऐसा क्यों चले गए, और बीजेपी के प्रवक्ता ने भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बताना शुरू कर दिया। तो बाबा बैजनाथ की उस छोटी सी लघु कथा को जो चार लाइनों के में खत्म हो जाएगी, इनको इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसका। बाबा बैजनाथ एक चरवाहे थे, चरवाहे बैजनाथ जाते थे और उनकी गाय का दूध पी लेते थे वो शिवलिंग। तो उन्होंने क्या किया, जब वहीं पर उस तरह की कथा थी कि वो नाराज हो गया चरवाहा और वो रोजाना शिवलिंग को दो लाठी मारता था, रोजाना उसको संतुष्टि मिल जाती थी। मतलब उसको लगता था कि अगर इस पत्थर में कुछ शक्ति है तो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा ये पत्थर। आपको पता क्या हुआ, एक दिन जब वो चरवाहा दो लाठी मारना भूल गया और उसको याद आया कि हमने तो आज लाठी नहीं मारी, तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। धर्माचार्य लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। ओहो, समझ गए ना, इतना ज्ञान कभी अपने उनको भी दे दिया करो जो नेता ऊपर बैठे हुए दिन रात गाली देते रहते हैं। इतने चढ़ाएंगे आपके ऊपर कि आपको उनको और इनको सबको पता चल गया मुझसे बात करो। हाँ, आप ही से कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। अखिलेश जी नहीं बैठे टीवी पर, आप ही से कर रहे हैं ना, वो सब आप ही से कर रहे हैं। मेरे बयानों का जवाब तुम्हारे आप ही से कर रहे हैं। ये बयान अपने जो है, ये जो बैठ कर आप जो है एकदम से धर्माचार्य बन जाते हैं, इन बातों को अपने नेता को बता दिया करो जो गाली देते हैं। बस ये बातें किसी को नहीं बतानी, स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर बता दीजिए। क्यों बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर ये बातें बोला, यहाँ बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रोजाना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रामचरित मानस को गाली दिलवाते हो, कहीं के जाहिल कमार मानी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा क्या, मानी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा क्या। सुनिए मनोज जी, सिंपल सा सवाल ये था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने ताल ठोक कर ये कहा था कि कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी है, इसीलिए शायद वो बीच में मंदिर नहीं जाते हैं। अरे और जब मंदिर जाते हैं तो ये सवाल उठाते हैं, आपके साथ ही है इसलिए आपको आपसे ये सवाल कर लिया, वरना मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा था। आपसे तो मैं सवाल ही नहीं करता कि राहुल गांधी मंदिर चले गए तो वहां पर नारा क्यों लगा, नहीं लगा, क्या लगा। मैं आ रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, भगवान को लेके झूठ मत बोलो, इस पे पाप लगता है, चाहे एंकर हो चाहे बीजेपी का प्रवक्ता हो, पाप लगता है, इतना याद रखिएगा। आज संडे है, थोड़ी बहुत कॉमेडी हो जानी चाहिए, आज संडे है, थोड़ा सा लोग लाइट मूड में रहते हैं और मुझे लगता है शायद मनोज जी लाइट मूड में है। अवधेश जी, मैं लाइट मोड में नहीं, मैं बिल्कुल रियल मोड में रहता हूँ। ये लाइट मोड में बीजेपी वाले रहते हैं भगवान को सेलिंग। अच्छा अच्छा ठीक है, सर आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा ऐसा आ रहा हूँ। अवधेश जी, क्या जो नारे लगे राहुल गांधी के सामने जय श्री राम के, वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी नहीं गई प्राण प्रतिष्ठा में? क्या मोदी मोदी के नारे लगे इसलिए क्योंकि जनता के बीच क्या इस बात का परसेप्शन है कि हिंदुत्व को लेकर अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो बीजेपी और कोई नहीं है? जब शंकराचार्य जाते तब आप कहते वहां पे तो मनोज जी अब शांत हो जाइए मेरे से। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी या कोई भी, उनको किसी भी मंदिर में जाना, वहां पूजा करना, अपने तरीके का वस्त्र पहनना, अपने तरीके का धर्म को लेकर बयान देना, हमारा हिंदू धर्म बहुत व्यापक रहा है। यहाँ तो चारवाक मंदिरों पर खड़ा होकर वेदों को गालियां देते थे, उनको भी एक ऋषि हमने स्वीकार कर लिया है, तो ये व्यापक हिंदू धर्म है। दुर्भाग्य से जो इसको नहीं समझते हैं ना, उनकी समस्याएं खड़ी होती है। देखिए, इस समय केवल भारत नहीं, भारत सहित राकेश पांडे पूरी दुनिया के सनातनियों के अंदर, विशेषकर उसमें जो हिंदू है उनके अंदर इस बात को लेके आक्रोश है कि लंबे समय तक हमारे धर्म को, संस्कृति को, हमारे इतिहास को इतना छोटा बनाया गया, तो वो इस समय उनके अंदर एक गुस्सा भी है।
और जिन लोगों ने बनाया उसको वो चिन्हित करने की कोशिश करते हैं कि आज तक शासन किसका रहा, जिसने बताया कि भाई आप तो यहाँ के बासी ही नहीं हो, आप तो आ रहे हो, आप बाहर से आए हो। ठीक ठीक सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर 10 सेकंड आपको दे दूंगा। जिसने ये हमारे हमारे धर्म के बारे में ये अंधविश्वास है, मूर्ति में कहां से देवता होंगे, ये पढ़ाई होती रही कि इस्लाम में कभी भी अंधविश्वास की बात नहीं है, क्रिश्चियनिटी में अंधविश्वास की बात नहीं है, केवल हिंदू धर्म में अंधविश्वास की बात है। तो वह एक आक्रोश पूरे देश में है और लोगों को यह लग रहा है कि अभी तक जो पार्टियां शासन में थी उन्हीं लोगों के कारण दुनिया में हिंदुओं का सिर झुका है, दुनिया में हिंदू धर्म को पोंगा पंथी, 36 करोड़ देवता, गाय को पूजने वाले, ये सारी छवि बनी है, हमारे मंदिरों के धर्म स्थलों की दुर्दशा इनके कारण हुई है। एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और चाहता है कि यह चीजें बदलें। तो जब उसमें नेता लोग आते हैं, जब पूजा करने जाते हैं, तो लोगों का गुस्सा उसमें बढ़ता है। उसमें संभव है भाजपा के लोग भी रहे हो, संभव है कुछ लोग भाजपा के नहीं भी रहे हो। और प्राण प्रतिष्ठा में देखिए, आपको न जाने का अधिकार था, लेकिन न जाते हुए देखिए, अखिलेश जी की तो का बयान बहुत सुंदर था, डिंपल जी ने कहा बुलाएंगे तो जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो बाद में जाऊंगा, वो तो एक सभ्य तरीके का बयान था। लेकिन कांग्रेस ने केवल कहा कि ये भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, जिस ढंग से संघ और बीजेपी इसको राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है उसका विरोध करते हुए सम्मानजनक तरीके से हम इसको खारे अस्वीकार करते हैं। कहीं नहीं कहा कि खड़गे जी या राहुल जी या सोनिया जी बाद में भी जाके दर्शन करेंगे, ये होता है ना कि हम कभी बाद में जाके दर्शन करेंगे, ये भी नहीं कहा है। तो इस समय पूरे देश में और पूरी दुनिया में जब आपके यहां एफिल टावर पर लोग भगवा झंडा ले जाके पहुंच रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहे हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है कि देश ये बदल रहा है। ठीक, अब ठीक, आप एक कोशिश करेंगे कि चुनाव के बीच हम जाएं और 500 वर्षों की लड़ाई के बाद एक कार्यक्रम हुआ है उसको राजनीतिक कार्यक्रम करा के उसको बहिष्कार करें तो आपको ठीक है। मनोज जी जो आप कह रहे थे कह लीजिए, फिर उदित जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन 20 सेकंड ही लीजिएगा। देखिए राकेश जी, इस देश में आदिकाल से, सनातन काल से, जब भी जब से धर्म उपजा तब से मंदिर जाने की रोक आदिवासियों दलितों पे किसने लगाई? कौन लोग थे? मनवाद को मानने वाले थे ना, तो मनवादियों को गाली नहीं, 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 ये कहां से चला, कहां कहां डिरेल मत होइए मनोज जी, डिरेल मत होइए, डिरेल बिल्कुल मत होइए। अभी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी अगर मंदिर गए और चुनाव की चर्चा हो रही है तो बीजेपी कह रही है चुनावी हिंदू हैं, मंदिरों में इस बात पर चर्चा हो रही है। और ठीक है उदित जी, आपने